जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हम लोगों ने अपना पेपर टू खत्म कर लिया है, उसके सारे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं, उसके सारे व्याख्यान हो चुके हैं, सारे व्याख्यान रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके यूट्यूब चैनल और ब्लॉग पे अपलोड भी कर दिए गए हैं। और जहाँ तक अंदाजा था और अब लगभग यकीन हो गया है कि आपका पहले सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पैटर्न में ही होगा, मतलब एक प्रश्न दिए रहेंगे, उसके चार ऑप्शन रहेंगे और आपको एक ऑप्शन पे टिक करना रहेगा। तो आप लोग पिछले साल इस तरह के एग्जाम पैटर्न से पूरी तरह परिचित हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेपर टू जो है आपका, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको जरूर दूंगा कि ये सब तो है, व्याख्यान वगैरह तो ठीक है, अब आप क्या करिएगा कि आपके सिलेबस में जितने कवि हैं, स्वयं प्रभा के उत्प्रांत जी से लेके मध्यकालीन काव्य के जो 10 10 कविताएं और 8 10 कविताएं उधर, मतलब ये 20 25 जो कवि हैं, उन कवियों का नाम और उनकी पाठ्यक्रम में निर्धारित कविता का नाम, ये आपको एकदम मुझबानी याद होना चाहिए, है ना। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उद्भ्रांत जी की कौन सा खंड काव्य पाठ्यक्रम में है, तो आप तुरंत बता सकें स्वयं प्रभा। आपसे पूछा जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप तुरंत बता सकें कि मैं तोड़ती पत्थर, है ना। आपसे पूछा जाए हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप तुरंत उसका उत्तर दे सकें। तो आप लोग ये कवि और उनकी कविताओं के नाम, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी सारे नोट्स और लेक्चर आपके पास है ही, उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। और एग्जाम के हफ्ते 10 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यू पैटर्न की और एग्जाम की अलग से चर्चा कर लूंगा। अब हम लोग शुरू करेंगे आपका पेपर थर्ड, सेमेस्टर थर्ड जो है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस पेपर के लिए अलग से कोई एक किताब निर्धारित नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं और आप वहां से पढ़ाई कर लें, बल्कि इस पे जितने सेक्शंस हैं उन सेक्शन के अलग-अलग नोट्स मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूंगा, उन नोट से ही आपको पढ़ना होगा। और ये जो व्याख्यान के लेक्चर रहेंगे ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके यूट्यूब चैनल पे और ब्लॉग पे अपलोड होते जाएंगे, तो आप दोबारा ये व्याख्यान भी सुन पाएंगे। तो इन्हीं के आधार पे आपको इस पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। और इस पेपर में आप देख रहे हैं आपका जो आपकी जो पहली इकाई है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी की, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, सामान्य हिंदी क्या है, साहित्यिक हिंदी क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप एवं विशेषताएं क्या हैं, और प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यवहार क्षेत्र क्या है। ये आपका पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो नोट्स मैंने आपका, जैसा कि मैंने अभी निशान को बताया कि आपके जो क्लासरूम है उसमें जहाँ पे मटेरियल्स अपलोड करने हैं वहां पे मैंने मटेरियल्स में वो अपलोड कर दिया है। और ये मटेरियल मैं आपके साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा हिंदी वाला, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं आप लोगों के साथ वो पूरा पीडीएफ प्रयोजन मूलक हिंदी वाला साझा कर दूंगा, तो आपको वहां से भी वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल होंगे जो टाइप फॉर्म में है और ब्लॉग पे अपलोड हो सकते हैं, तो या तो उनका लिंक शेयर कर दूंगा, या तो फिर सीधे सीधे वो स्टडी मटेरियल उनका लिंक देते हुए आपके ब्लॉग पे भी मैं डाल दूंगा, तो आपको नोट्स की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ ये है कि इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा और शुरू से ही आपको इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई किताब नहीं होगी जहां से हम लोग इसको पढ़ सकें। तो हम लोग आते हैं सीधे सीधे अपने पहले टॉपिक पे, प्रयोजन मूलक हिंदी, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। प्रयोजन मूलक का मतलब, आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि प्रयोजन मूलक का मतलब क्या होता है? अगर आप उसका मतलब समझ जाएंगे तो प्रयोजन मूलक हिंदी और बाकी साहित्यिक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी कैसे अलग हैं वो चीजें भी आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। प्रयोजन मतलब होता है हेतु या उद्देश्य, है ना, मराठी में भी वही शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि तैसा प्रयोजन का होता, या कार्य मार्गे आगे तैसा प्रयोजन का होता है, तैसा हेतु का होता है ना। और प्रयोजन मूलक को अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी को कहेंगे फंक्शनल हिंदी, प्रयोजन मूलक मराठी को कहेंगे फंक्शनल मराठी, प्रयोजन मूलक अंग्रेजी को कहेंगे प्रयोजन मूलक इंग्लिश। तो फंक्शनल मतलब
जो फंक्शन से जुड़ा हो, अलग अलग चीज जगहों पे व्यवहार से जुड़ा हो, वही हो गया प्रयोजन, वही हो गया फंक्शनल, वही हो गया व्यवहार। कहने का मतलब वह है हिंदी जिसका कि प्रयोजन इतना है कि अलग अलग व्यवहार के क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल हो सके। तो यही उसका उद्देश्य है, यही उसका प्रयोजन है और यही उसका फंक्शन है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में कहेंगे फंक्शनल हिंदी। विश्व की समस्त प्रगति भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भाषा के तीन प्रमुख रूप प्रचलित होते हैं। किसी भी भाषा के तीन मुख्य रूप होते हैं जो प्रचलित होते हैं। कौन कौन से? तो पहला रूप वो होता है जो बोलचाल की भाषा होती है, जैसे हम लोग आपस में जब बात करते हैं, इष्ट मित्रों के साथ बात करते हैं, परिवार के लोगों के साथ बात करते हैं, तो बहुत सहज रूप से बात करते हैं, उसको कहते हैं बोलचाल की भाषा। दूसरी भाषा होती है साहित्यिक भाषा। जब उसी भाषा में जब हम किताब की भाषा पढ़ते हैं, किसी उपन्यास की, किसी कादंबरी की, किसी कविता की, तो वहां पे देखिए उसका पैटर्न बदल जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसका फ्लेवर बदल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं साहित्य की भाषा। और तथा प्रयोजन मूलक की तुलना में उसकी बोलचाल संबंधी तथा साहित्यिक रूपों की अपेक्षा प्रयोजन मूलक रूप के कारण भाषा में अधिक गत्यात्मकता आती है और उसे चिरंजीव रखने के लिए अहम भूमिका अदा करती है। और तीसरा रूप होता है प्रयोजन मूलक का। प्रयोजन मूलक का अर्थ ये हो गया कि जहां पे आप उसका प्रयोजन कर रहे हैं, जैसे हम लोग घर में जिस तरह से बात करते हैं या किताबों में जिस तरह की हिंदी पढ़ते हैं, उसके अलावा एक स्थिति और ये भी है। जैसे मान लो कि तुमने किसी भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है और तुमको मंच से हिंदी में ही बोलना है, तो वहां पे जाके तुम्हारा बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तुम किसी कार्यालय में जा रहे हो, अपने से बड़े अधिकारी से बात कर रहे हो, अपने से बड़े सम्मानित व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो तुम्हारा बोलने का लहजा अलग हो जाता है। तुम बैंक में गए हो, पासपोर्ट ऑफिस में गए हो, तुम इंटरव्यू देने गए हो, तुम कुछ इस तरह का काम करते हो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, कि तुम्हें अपने क्लाइंट से हिंदी में बात करनी है, उसको कन्विंस करना है, तो वहां पे तुम जो हिंदी इस्तेमाल करोगे वो अलग हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रक्षेत्रों में, सामाजिक प्रक्षेत्रों में, समाज के प्रक्षेत्रों में हम जो भाषा का रूप इस्तेमाल करते हैं, वही रूप हमारे प्रयोजन को सिद्ध करता है। और इसी हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, हमारे कार्य बनते हैं, फिर चाहे वो कार्यालय में जाकर। के बात करनी हो, मंच पर समाज के सामने बात करनी हो, या साक्षात्कार में बात करनी हो, तो यहाँ पे जाके हम जिस भाषा के प्रयोजन हिंदी ज्ञान विज्ञान तथा राजकाज के सरकारी कार्यों में वैसे तो खड़ी बोली के माध्यम से अधिकाधिक प्रयुक्त की जा रही है, फिर भी हिंदुस्तानी की संभावना बराबर बनी रही है कि जैसे आप कार्यालयीन क्षेत्रों में जाते हो या प्रयोजन उद्देश्य से जाते हो, तो आप एकदम शुद्ध हिंदी में बात नहीं करते, आप एक व्यवहार की विशेष हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, कुछ शब्द विदेशी भाषाओं के भी है। मतलब हम उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से लोगों के समझ में आ जाए, जिससे लोग हमारी बात को अच्छे से समझ पाए, वही इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। विश्व में मानव सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की उन्नत धरोहर को अक्षुण रखने में भारतवर्ष का जो योगदान रहा है, उसमें भाषिक दायित्वों के निर्वहन स्वरूप भारतीय भाषाओं की समन्वय हिंदी भाषा की अहम भूमिका रही है। ये हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में हिंदी जो है एक संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, देश के बहुत बड़े भूभाग पे संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। हिंदी इस देश में किसी प्रांत की भाषा नहीं है, मतलब प्रांतीय भाषा नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, पंजाब में पंजाबी है, उड़ीसा में उड़िया है, बंगाल में बंगाली है, वैसे हिंदी किसी प्रांत की भाषा नहीं है। क्योंकि जैसे तुम कहो कि उत्तर प्रदेश, तो वहां की भाषा अवधी है, बिहार की भोजपुरी है, लेकिन हिंदी किसी क्षेत्र की प्रांतीय भाषा नहीं है। तो फिर है क्या? बहुत सारे प्रदेशों के बड़े भूभाग में जहाँ की उनकी अपनी कोई मातृभाषा भी है, लेकिन उस मातृभाषा से अलग एक भाषा जब आती है, बड़ा करती है, तो वो भाषा जो है
उस देश की भाव भाषा कहती है, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। क्यों? क्योंकि वो लोगों के इमोशन से जुड़ी है और अलग-अलग भाषा भाषियों को अपने माध्यम से जोड़ने का काम करती है। तो यही काम हिंदी इस देश में कर रही है, लगातार संपर्क भाषा के रूप में, भाव भाषा के रूप में, इमोशन लैंग्वेज के रूप में, इस तरह से वो अपना काम कर रही है। तो ये भाषा जो है हिंदी, अब इसके भी स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बोलचाल के लिए जब हिंदी इस्तेमाल होती है तो अलग हो जाती है, जब साहित्य लेखन के लिए इस्तेमाल होती है तो अलग हो जाती है, जब अलग अलग प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बोली जाती है तो इसका स्वरूप अलग हो जाता है। तो वो जो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जो हिंदी इस्तेमाल की जाती है, वही हिंदी आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी है। अब सवाल ये होता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता है क्यों? मतलब हम क्यों ये समझे कि प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों है, और प्रयोजन मूलक हिंदी और व्यावहारिक हिंदी में अंतर क्या है? तो इसको इस तरह से समझिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी को एक आप नहीं मान सकते। अगर एक मानेंगे तो दोनों में गलती हो जाएगी। दोनों में स्पष्ट अंतर और भेद है। व्यवहारिक हिंदी का सीधा संबंध मुख्यतः बोलचाल तथा जीवन के सामान्य व्यवहार आदि से है, मतलब जहाँ भी किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, अनौपचारिक रूप से सारी चीजें आपकी हो जाती है। जैसे चाय वाले से चाय लेना या दुकान से सामान लेना, यहाँ पे आपको कोई विशेष औपचारिकता की जरूरत नहीं है, वो सामान्य व्यवहार की भाषा है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः आपसी बातचीत, दैनंदिन व्यवहार, यातायात, सब्जी मंडी, बाजार, पर्यटन, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार, व्यापार तथा साहित्य के अनेकाधिक अंग आदि का समावेश किया जा सकता है। व्यवहारिक हिंदी से स्पष्ट तात्पर्य है कि रोजमर्रा के दैनिक जीवन और जगत के कार्य सिद्ध करने हेतु माध्यम के रूप में ऐसी हिंदी जिसमें विशिष्ट भाषिक संगठन और प्रयुक्ति स्तर की अपेक्षा उसके व्यवहारिक प्रयोग पर अधिक बल रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं बंबई में एक बंबैया हिंदी चलती है ना? तो बंबैया हिंदी के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे नींबू शरबत वाला है, उसके पास मैंने देखा है कई बार बच्चे जाते हैं तो बोलते हैं नींबू अच्छे से चोड़ दो। अब नींबू अच्छे से चोड़ दो, चोड़ मराठी का शब्द है, लेकिन बोलते हैं। किसी से एड्रेस पूछना रहता है कि ये अग्रवाल कॉलेज कहाँ है, तो बोलेंगे कि यहाँ से सीधा जाने का जो चौथी बिल्डिंग गिरेगी वही अग्रवाल कॉलेज है। तो कोई सोचेगा अरे चौथी बिल्डिंग गिरने वाली है, क्यों गिरेगी बिल्डिंग? लेकिन यहाँ चौथी बिल्डिंग गिरेगी मतलब जो चौथी बिल्डिंग आएगी वो अग्रवाल कॉलेज। तो ये व्यवहार की भाषा है, बोलने वाला भी जान रहा है, समझ जो पूछ रहा है वो भी जान रहा है, जो बोल रहा है वो भी जान रहा है। यहाँ किसी खास औपचारिकता की जरूरत नहीं है, पैटर्न की जरूरत, सलीके की जरूरत नहीं है। आम लोगों के बीच में जिस तरह से भाषा विकसित होती है, जिन स्वरूपों में बोली जाती है, उनके प्रयुक्ति के जो स्तर होते हैं उन्हीं आधार पर ये बोली जाती है। लेकिन जब आप प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं तो उसका प्रयुक्ति क्षेत्र तथा व्याप्ति, मतलब वो कहाँ बोली जाएगी, मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी आप सब्जी मंडी में नहीं बोलेंगे, तो वो कहाँ पे आपको बोलना है? प्रशासनिक परिचालन में, जैसे आप किसी कार्यालय में गए हैं, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के क्षेत्रों में, वहां पे आपको प्रयोजन मूलक हिंदी की जरूरत होगी। जैसे ऑफिस, कार्यालय, टेक्नोलॉजी, या जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने प्रयोजन सिद्ध करने हेतु तो एक अच्छी प्रयोजन मूलक फंक्शनल हिंदी की आवश्यकता होगी। प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना उसके अनुप्रयुक्त रूप को अविशिष्ट भाषिक संरचना, पारिभाषिक शब्दावली तथा सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकता प्रदान करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के समस्त मानक रूपों को अपने में समेटे हुए होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की जितने भी फॉर्मेट हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, जिसमें अनिवार्यता क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, एकदम क्लियर आइडिया। जब आप किसी अधिकारी से बात करें तो उसमें स्पष्टता हो, एक रूपता हो, मतलब सभी कार्यालयों में वो उसी तरह से बोली जाती हो, उसी नाम से जानी जाती हो, सुनिश्चितता हो एवं औचित्य का निर्वहन किया हो। प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी विशिष्ट एवं औचित्य का निर्वहन किया जाता हो। प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी विशिष्ट प्रयोजन पूर्वक तकनीकी शब्दावली तथा पदावली होती है, जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तंत्र ज्ञान, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान तथा
विद्या शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है, कहने का मतलब इसकी एक रूपता है और उसका उसका जो एक स्पष्ट स्वरूप है उसकी वजह से उसमें एक निश्चितता आती है, उसका औचित्य एकदम स्पष्ट होता है, जिसके कारण जो भी इस तरह के कार्यालय हैं जहाँ पे तकनीकी शब्दावली का उपयोग हो रहा है, जहाँ पे मानविकी तथा तंत्र ज्ञान का उपयोग हो रहा है, विज्ञान का उपयोग हो रहा है, वहां पे एक स्पष्टता होती है, एक मानकीकृत स्वरूप होता है जिससे कार्यों का संचालन प्रचालन आसानी से हो पाता है और जो कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य है। तो आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो बाजार में या सब्जी मंडी में या आम बोलचाल के व्यवहार में नहीं प्रयोग करना है, बल्कि ऐसी जगह पे प्रयोग करना है जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, जहां पे आपको एक सलीका चाहिए, एक व्यवहार चाहिए, जहां पे एक रूपता चाहिए, स्पष्टता चाहिए, जहां जो ज्ञान विज्ञान के केंद्र हैं, तकनीक के क्षेत्र हैं, कार्यालय हैं, ऐसी जगहों पे जो आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने कार्यों को संपूर्णता प्रदान करने के लिए आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के में फंक्शनल हिंदी के पर्याय के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी में फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील अथवा वृत्ति मूलक, मतलब जिससे आपके फंक्शन हो जाए, आप जो काम करने चाहते हैं वो पूरा हो जाए, तो ये कार्यात्मकता का प्रतीक है, क्रियाशीलता का प्रतीक है और वृत्ति मूलकता का प्रतीक है, इसीलिए फंक्शनल शब्द ज्यादा अपील भी करता है। फंक्शनल शब्द से प्रयोजन मूलक की संकल्पना स्पष्ट हो जाती है, लेकिन अगर इसमें कोई दुविधा होती है तो भी इसको इसी रूप में समझना ठीक है। दूसरी तरह अंग्रेजी का ही एक शब्द है अप्लाइड, है ना, जिसका तात्पर्य होता है अनुप्रयुक्त तथा प्रायोगिक। अतः कई लोग प्रयोजन मूलक की संकल्पना में अप्लाइड शब्द को ज्यादा करीब मानते हैं अपेक्षाकृत फंक्शनल के, कि जो अप्लाई की जाती है। लेकिन फिर वही होता है कि अप्लाइड लैंग्वेज और फंक्शनल लैंग्वेज में मुझे जो ज्यादा अपील करता है वो फंक्शनल होता है, लेकिन ये दोनों शब्द है, एक अप्लाइड है और दूसरा फंक्शनल है, और सामान्य तौर पे जो शब्द ज्यादा प्रचलित है वो फंक्शनल ही है। प्रयोजन शब्द की व्युत्पत्ति प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगाने से हुई, ये उसका व्याकरणिक मैं उसकी स्थिति बता रहा हूँ। प्रयोजन का तात्पर्य भाषा का उद्देश्य अथवा प्रयोजनशीलता है, तथा मूलक शब्द आधार या बेस है, मूलक उद्देश्य, तो उद्देश्य का एक तरह से जो आधार है वो इसका अर्थ हुआ। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ कि विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा, जैसा उद्देश्य उस तरह की भाषा। ये भी महत्वपूर्ण है, जैसे इस चीज को ऐसे समझें कि तुम किसी से बहुत गुस्सा हो, उसको ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत गुस्सा हो, उससे बहुत नाराज हो, उसकी पिटाई करने वाले हो, तो जब ये उद्देश्य आपके मन में स्पष्ट है तो आप उसके साथ कैसे बात करेंगे? आप उसको आते ही बोलेंगे नमस्कार, आइए बैठिए, जलपान ग्रहण कीजिए, इस तरह आप गुस्सा दिखाएंगे? नहीं, गुस्सा दिखाने की अपनी एक भावभंगिमा होती है। तो जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो उद्देश्य के हिसाब से हम लोग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजन मूलकता है। और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ उद्देश्य भी एक ही है कि अपने कार्यों का संपादन सरकारी या आधिकारिक रूप से या तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्यों के निष्पादन हेतु जो उपयुक्त भाषा हो उसका प्रयोग, और वो भाषा ही क्या कहलाएगी, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ होगा ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा होगी, मतलब उसकी पहली परिभाषा इन्होंने दी है कि हिंदी का वह प्रयुक्ति परक विशिष्ट रूप जो विषयागत, भूमिगत तथा संदर्भगत प्रयोजनों के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेकाविध क्षेत्रों का अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। परिभाषाएं वैसे भी थोड़ी कठिन होती हैं, जटिल होती हैं, उनमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, तो आप
ऐसी कुछ परिभाषाएं आपकी जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं उसमें हैं, तो आप ऐसी कुछ परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। कई बार ऐसे भी, चूंकि ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी परिभाषा है, या इस परिभाषा को किसने दी है, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ विद्वान प्रयोजन मूलक शब्द पर ही आपत्ति करते हैं, उनके अनुसार कोई भी भाषा निष्प्रयोजन नहीं होती। कहते हैं कि प्रयोजन क्या, भाषा का प्रयोजन तो पहले से निश्चित होती है, उसका फंक्शन तो होता ही है, तो कोई भाषा बिना प्रयोजन के नहीं होती। किंतु तो इस प्रकार की आपत्तियां निराधार हैं। यहाँ प्रयोजन का मतलब उस कार्य विशेष के निष्पादन हेतु की जाने वाली भाषा के उपयोग और उसके स्वरूप की चर्चा से संबंध है। तो मुझे लगता है प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, कम से कम उसके बारे में एक स्पष्ट धारणा आप लोगों के मन में बनी होगी। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? हाँ सर, देखो, प्रयोजन मूलक स्पष्ट है, प्रयोजन उद्देश्य, प्रयोजन मूलक मतलब जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। लेकिन कौन सा उद्देश्य? बाजार से सब्जी लाने का उद्देश्य नहीं, खाने का उद्देश्य नहीं, मच्छी मार्केट में मच्छी खरीद के। ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो हो गया था। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? थोड़ा हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सॉरी, नेटवर्क की वजह से रुक गया था। तो इसका अर्थ समझ में आ गया ना आपको कि प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या है ना? हाँ सर, ये चीज आपको। तो अब उसका जो दूसरा पक्ष है प्रयोजन मूलक हिंदी का, कि प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयुक्तियां कौन सी हैं? तो प्रयोजन मूलक हिंदी में जैसे बोलचाल की शैली है, संवाद की शैली है, भावात्मक शैली है, साहित्यिक शैली है, सामाजिक शैली है, पत्र लेखन की उसकी शैली क्या होगी, प्रशासनिक शैली क्या होगी, ये सारा जो है प्रयोजन हिंदी की प्रयुक्तियों के संदर्भ में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि
कि प्रयोजन मूलक हिंदी की शैलियां क्या होंगी। तो हिंदी एक अत्यंत विकसित एवं समृद्ध भाषा है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। भाषा और साहित्य के स्तर पर इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। आज जीवन के सामाजिक स्तर में जो बदलाव हो रहे हैं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है, उन सब को अर्थवत्ता प्रदान करने में हिंदी भाषा अग्रणी है। शैली किसी भी भाषा को सौंदर्य एवं गुणवत्ता प्रदान करती है। जैसी जितनी बेहतर शैली होगी उतना ही उसका सौंदर्य होगा। शैली मतलब तरीका। शैली भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें प्रयुक्ति, विधा एवं प्रयोक्ता के अनुसार भेद आ जाते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी भी जीवन एवं समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को वाणी प्रदान करती है। अतः यह निश्चित है कि विभिन्न मुद्दों को प्रकट करने में उसे भिन्न भिन्न शैलियों का सहारा लेना पड़ता है। सामान्यतः विषय भेद की दृष्टि से हम प्रयोजन मूलक हिंदी की 7 शैलियां मान सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की कितनी शैली मान सकते हैं? 7। कौन कौन सी? तो बोलचाल की शैली, संवाद की शैली, भावात्मक शैली, साहित्यिक शैली, सामाजिक शैली, पत्र लेखन शैली और प्रशासनिक शैली। ये 7 शैलियां जो हैं हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की मान सकते हैं। प्रयुक्ति भाषा विज्ञान। और प्रयुक्ति क्या है? तो प्रयुक्ति भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाला विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। किसी भी भाषा के विभिन्न विषयों एवं संदर्भों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध भाषाविद हैलिडे के अनुसार भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग विभिन्न बोलियां बोलते हैं। एक अन्य दिशा में भी भाषा के विविध रूपों की चर्चा की जा सकती है। प्रयोग भेद की दिशा में भी भाषा में प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं। विभिन्न स्थितियों में उसमें स्वतः भेद आ जा सकते हैं। प्रयोजन के आधार पर भाषा के स्वरूप भेद को जो नाम दिया जाता है उसे रजिस्टर कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोगों की प्रयुक्ति होती है। उसमें 7 प्रयुक्तियों की हम चर्चा करेंगे। शैलियां भी 7 और प्रयुक्तियां भी 7। तो प्रयुक्तियां कौन कौन सी होंगी? साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्यिक प्रयुक्ति, कार्यालयी प्रयुक्ति, राजभाषा प्रयुक्ति, विज्ञापन एवं मीडिया भाषा प्रयुक्ति, विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति और अंतिम है वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा प्रयुक्ति। ये अलग अलग प्रयुक्तियां होती हैं जो आप प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में जिनकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम में उन्होंने इनके बारे में नहीं पूछा है, तो हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे। हमको चर्चा करनी है प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थ और परिभाषा की, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर है उसकी, और प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यवहार क्षेत्र जो मैंने बता ही दिया कि कहां कहां उसको व्यवहार में लाते हैं, और प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की चर्चा हमको करनी है, इसलिए हम लोग प्रयुक्तियों की चर्चा नहीं करेंगे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं क्या है कि आप उसको उसकी विशेषता क्या क्या मानते हैं, हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा आज कर लेते हैं, उसके बाद यहीं पे खत्म करेंगे और कल जो है दोबारा शुरू करेंगे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी विशेषताएं मानी जाती हैं, उसमें से आप पहली चीज जो है, जैसे मैंने कहा कि उसकी जो अप्लाइडनेस है, जिसको जैसे मैंने कहा कि 2 शब्द हैं, एक फंक्शनल और एक तो अप्लाइडनेस जो है मतलब उसकी जो प्रयोजनीयता है वही उसकी विशेषता है। तो इसको हिंदी में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयोजनीयता, इसको अंग्रेजी में कहेंगे अप्लाइडनेस, उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को हम लोग उसके क्षेत्र विशेषों मान कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल के माध्यम से हम अपने जरूरी कार्यों का अच्छी तरह से निष्पादन कर सकते हैं। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी की पहली विशेषता भी उसकी प्रयोजनीयता, उसका अप्लाइडनेस, उसे जहां पे इस्तेमाल करना है हमने वहां इस्तेमाल कर लिया और अपने काम को अच्छे से निष्पादित कर दिया, अपने काम को अच्छे से कर लिया, ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण विशेषता उसकी अनुप्रयुक्तता या अप्लाइडनेस अर्थात प्रयोजनीयता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप से
विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त तो होता है। विश्व भर में बहुत सारी भाषाएं हैं। पक्ष हमें इस अधिक मजबूत करना होता है और वह पक्ष ऐसी ऐसी फंक्शनल भाषाओं के माध्यम से ही मजबूत होता है, ऐसी प्रयोजनात्मक भाषाओं के से ही वो उसका एक तरह से नवीनीकरण भी होता है, आधुनिकीकरण भी होता है और वो भाषा और वो क्षेत्र दोनों साथ साथ विकसित होते हैं, फलतः उनका बहुमुखी सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। हिंदी की प्रयोजन मूलकता उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई है और इन क्षेत्र विशेषों में इनके प्रयोग करने से उस क्षेत्र की भी महत्ता बढ़ती है, इन भाषाओं की भी महत्ता बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के समानांतर चलते हुए एक दूसरे के पूरक बनते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की पहली विशेषता आप लोग उसकी प्रयोजनीयता या उसके अप्लाइडनेस को मान सकते हैं वो। तो ये पहला पॉइंट हुआ प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता को लेकर। दूसरी है विशेषता उसकी वैज्ञानिकता। उसकी वैज्ञानिकता से क्या मतलब है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी स्थितियां एक तरफ स्पष्ट है, उसका स्वरूप निर्धारित है, वो मानकीकृत है, उसका पैटर्न क्लियर है, उसका टेक्सचर फ्लेवर हर जगह एक जैसी है, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अंतर्वृत्ति, उसकी प्रयुक्ति, उसकी भाषा संरचना सब कुछ एक जैसी है, हर जगह एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, इसलिए उसमें वैज्ञानिकता है। तो ये जो उसका कार्य निष्पादन के लिए उसके ढांचागत या भाषिक स्वरूपगत संरचना है उसमें जो स्पष्टता है वैज्ञानिकता है वो उसकी दूसरी विशेषता मानी जा सकती है। तीसरी विशेषता है उसकी सामाजिकता कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग समाज के विशेष क्षेत्रों में हो रहा है जो कि ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसी जगहों पे जाकर आप अपने कार्यों को ज्यादा आसानी से कर सकते हैं तो वो आपके कार्य निष्पादन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस प्रशासनिक और एक जो नागरिक है और उसका प्रशासन के साथ जो संबंध है और जिस तरह का संबंध होना चाहिए कि जिसमें प्रशासन भी सहज हो, नागरिक भी सहज हो, तो उससे लोकतंत्र की मजबूती होती है, एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी होती है। तो ये सामाजिक ये भी प्रयोजन मूलक की एक विशेषता है। भाषिक विशेषता जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही एक तरह से कर चुके हैं कि यह वह विशेषता है जो प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता को रूपायित उसे सामान्य या साहित्यिक हिंदी से अलग करती है कि वो सामान्य हिंदी भी नहीं है, साहित्यिक हिंदी भी नहीं है, वो एक अलग हिंदी है जो एक अलग और विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जो उसका अलग होना है ये भी उसकी एक विशेषता है और ये विशेषता उसको कहाँ से मिल रही है, उस विशेष भाषिक संरचना और स्वरूप के कारण मिल रही है। तो ये भाषिक विशेषता भी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी की जो है हम कह सकते हैं कि उसकी विशेषता है। तो इस तरह भाषिक विशेषता, सामाजिकता, वैज्ञानिकता और उसकी प्रयोजनीयता अप्लाइडनेस, ये चार पांच चीजें मुख्य रूप से हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता के तौर पे हम लोग बता सकते हैं कि ये सारी चीजें प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। अब इसमें एक चीज ये भी समझने लायक है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की सीमाएं क्या है, उसकी संभावनाएं क्या है। भाई हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, एक निर्धारित सीमा के बाद आप उसमें कुछ कर नहीं सकते या उसकी संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की सीमाएं क्या है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की सबसे बड़ी समस्या है विज्ञान और तकनीक से संबंधित अत्यंत कठिन और दुरूह पारिभाषिक शब्दावली कि भाई वो इस्तेमाल ही कहाँ पे हो रही है,
या तो कार्यालयों में या तो विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में। तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो पारिभाषिक शब्दावली है, मतलब जो उसके लिए शब्द गढ़े जा रहे हैं, वो आम बोलचाल के व्यवहार में तो इस्तेमाल होते नहीं है। लोग उससे डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड नहीं होते, तो उसकी वजह से वो शब्दावली बहुत कठिन होती है। लोगों को लगता है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वो उसमें रस नहीं पाते। मतलब जिस तरह साहित्य की कोई कविता या कहानी पढ़ के आप उसमें आनंदित हो जाते हैं, अपने को उससे जोड़ लेते हैं, उसकी संवेदनाओं में, उसकी भावनाओं में बह जाते हैं, उस तरह की चीज यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मशीनी काम है, इसलिए उसमें उस तरह का रस नहीं है। वास्तव में कोई शब्द सरल या कठिन नहीं होता, शब्द या तो परिचित होता है या अपरिचित होता है। और यहाँ पे मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली है, उनके अधिकांश शब्दों से लोग अपरिचित होते हैं, इसलिए वह उन्हें कठिन लगता है, दुरूह लगता है। भौतिकी, रसायन, गणित, विधि, अंतरिक्ष, कंप्यूटर तथा मानवीय से संबंधित ऐसे लाखों नए शब्द हैं जो कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग द्वारा बनाए गए हैं, जो शब्दकोशों में हैं, लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में उनका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए लोगों को वो बड़ा कठिन लगता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की दूसरी प्रमुख समस्या क्या है? अनुवादी रूप के कारण उसकी संरचना की क्लिष्टता और अटपटापन, कि वो अनुवाद होकर आपके सामने आ रही है और तकनीकी शब्दों के साथ आ रही है, तो वो आप उसमें सहज नहीं महसूस करते, क्योंकि न वो आपकी सुनी हुई भाषा है, न आपके वो व्यवहार की दैनिक जीवन से जुड़ी भाषा है, ना वो बोलचाल की भाषा है, तो वो आपको बड़ा अटपटा लगता है, असहज लगता है, आपको लगता है ये बहुत कठिन है, जटिल है, इसमें तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो कई बार आपने लोगों को सुनते हुए भी देखा होगा, अरे वो इतनी कठिन हिंदी वाला फॉर्म इतना कठिन था कि उससे अच्छा लगता है अंग्रेजी वाला भर दो। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि अंग्रेजी के शब्द तो उन शब्दों की तुलना में ज्यादा फैमिलियर लगते हैं, मतलब हम उन्हें सुने हुए लगते हैं। जैसे कंप्यूटर हम ज्यादा सुनते हैं, संगणक हम कम सुनते हैं, तो जो शब्द आप ज्यादा सुने हुए रहते हैं आप उनको उसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे लॉकडाउन शब्द इस महामारी के बीच में हमने लगातार सुना, तो हमने लॉकडाउन शब्द को ऐसे ही जैसे था उसी रूप में अपनी भाषा में इस्तेमाल कर लिया, या बोलते समय हम लॉकडाउन, सैनिटाइजर, है ना, कैंटोनमेंट, ये क्या कहते हैं, जो बंदी के क्षेत्र थे, उन सब के लिए हम लोगों ने अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर दिया, क्योंकि हम उनको ज्यादा सुन रहे थे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो प्रयोजन मूलक हिंदी की एक तरह से सीमाएं हैं, जो उसकी सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। तो कल हम लोग इसकी ज्यादा व्यापक चर्चा कर लेंगे। मुझे लगता है कि आज फिर भी हम लोगों ने काफी हद तक प्रयोजन मूलक हिंदी, उसके अर्थ और उसकी परिभाषाओं से लेकर बातें की। नोट्स मैंने आपके क्लासरूम में डाल ही दिया है, आप लोगों ने देख लिया तो आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको वो आपका जो ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे भी मैं वो पूरा पीडीएफ फाइल जो है मैं शेयर कर लूंगा, तो वहां पे भी वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। चूंकि पीडीएफ है इसलिए उसको शायद मैं ब्लॉग पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिर खत्म करते हैं। कल कुछ चीजें और प्रयोजन मूलक से जुड़ी हुई रहेंगी, तो हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद अगर कल समय बचेगा तो कल प्रयोजन मूलक हिंदी करेंगे, नहीं तो आपका जो अगला चैप्टर है हम लोग उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सर, ये पेपर 3 का है ना प्रयोजन मूलक हिंदी? हाँ, अब हम लोगों ने आज से पेपर 3 शुरू कर दिया। ये पेपर 3 का आपका पहला चैप्टर है, पेपर 3 सेमेस्टर 3। ठीक है सर। और वो स्वयं प्रभा है ना पेपर 2 का? हाँ, उसमें मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू में? उसमें जैसे सर्गों के नाम आ जाएंगे कि मरु स्वयं प्रभा का कौन सा सर्ग है, है ना? है ना? या स्वयं प्रभा कहाँ रहती थी? तो रहस्यमय गुफा में रहती थी, है ना? इसके कवि कौन है? तो उद्भ्रांत जी कवि है। स्वयं प्रभा की चर्चा निम्नलिखित कौन से ग्रंथों में हुई है? रामचरितमानस, रामायण, है ना, महाभारत
तो आपको लिखना पड़ेगा रामचरितमानस है ना, या वाल्मीकि रामायण है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो इन जनरल सामान्य तौर पे पूछे, वो मैं एग्जाम के हफ्ते 10 दिन पहले कुछ चीजें आपको एग्जाम से रिलेटेड शेयर कर लूंगा, क्योंकि उसमें देखो व्याख्या वगैरह तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है ना। तो उसके जो उसका जो क्या बोलते हैं वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन का जो एक पैटर्न है और उसका जो बैंक सिस्टम है, उस बैंक सिस्टम को लेकर जैसे एक बार एग्जाम की डेट्स फाइनल हो जाएंगी तो हम लोग फिर उसको जो है उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे।